हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स फ्लेवर्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कश्मीरी फूलगोभी और टमाटर की सब्ज़ी। फूलगोभी और टमाटर की सब्ज़ी बनाने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। फूलगोभी और टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg फूलगोभी। इसको मैंने देखे हल्दी पानी में एक उबाल लाई है, जैसे मैंने पहले भी कुछ रेसिपीज़ में आपको दिखाया है। और मैंने इसकी कटिंग देखे, बड़े बड़े पीसेस रखे हैं। यहाँ पे मैंने लिए है 300 ग्राम टमाटर और मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा धनिया, ये थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर मिर्च ली है, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ पाउडर लिया है और यहाँ पे कुछ मैंने टुकड़े यहाँ पे दालचीनी के लिए हैं। ये मैंने 1 बड़ी चम्मच ली है जिंजर गार्लिक पेस्ट का और यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है पैन में। अब मैं सबसे पहले फूलगोभी को इसमें फ्राई करती हूँ। पहले मैं गैस ऑन करती हूँ। पहले हम तेल अच्छी तरह से गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम फूलगोभी को फ्राई करते हैं। आप देखिए, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। मैंने मस्टर्ड तेल लिया है, आप रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। जो तेल आप लाइक करते हो आप वो तेल ले सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे फूलगोभीज को। ये हमारी फूलगोभीज फ्राई हो रहे हैं, इनको मैं इस अलग से बर्तन में निकाल रही हूँ। अब देखिए, अब हमें और भी जो फूलगोभीज हैं अब हम इनको भी फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। हमारे सारे फूलगोभी फ्राई हो चुके हैं। अब देखिए, मैंने एक छोटी सी प्याज ली थी, ये वो मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटी। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करती हूँ। इसमें ये कश्मीरी खानों का स्टाइल है कि अक्सर हम बाद में, एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ होती है वो अवेलेबल हर जगह नहीं होती है, उसके हम मतलब उसके बदले हम प्याज ही यूज़ करते हैं। हम इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसको इसमें निकाल देती हूँ। मैंने ये ओनियन सारी इसमें से निकाल दी। अब जो है ये जो ऑयल है इसमें से मैं थोड़ा ऑयल कम करती हूँ, फिर उसमें हम टमाटर फ्राई करेंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जाएगा ऑयल। अब मैं फिर से गैस ऑन करती हूँ और जो ये हमारे टमाटर है अब मैं ये इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ हम अब सारे मसाले इसमें ऐड करते जाएंगे। ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे रेड चिली पाउडर, ये मैं ले रही हूँ नमक, ये मैं ले रही हूँ हल्दी, ये सौंफ का पाउडर,
जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैं आपने मैंने पहले भी दिखाए थे आपको, दालचीनी के कुछ टुकड़े, ये जीरा है, ये सारे मसाले मैं मैंने इसमें ऐड किए। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देखिए आप, मिक्स करने के बाद मैं आप गैस को धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ और पैन को ढक देती हूँ। ये देखिए हमारे टमाटर तैयार हो चुके हैं, टमाटरों ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं पहले गैस बंद कर देती हूँ। अब ये जो टमाटर है मैं ये इसमें डाल देती हूँ, ये जो हमने पहले से ही फूलगोभी को देखिए फ्राई करके रखा था, अब हम टमाटर को इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम इसी में ऐड कर देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है आप जो है जिस प्रोसेस से मैंने जैसे टमाटर चाकू से काटे, आप जो है मिक्सी में भी ग्रेट कर सकते हैं। अब जो है इसमें मैं एक ग्लास पानी डाल देती हूँ। देखिए इसको टमाटर लगे हुए हैं इसलिए मैंने पहले इसी पैन में ही डाल दिया। इसमें हम ऐड कर देते हैं और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इस तरह से पानी थोड़ा सा कम हो गया, मैं इसमें और पानी ऐड कर देती हूँ। देखिए आपको चम्मच नहीं फिर चलाना है क्योंकि हमारी फूलगोभी टूटनी नहीं चाहिए। अब इसको ढक देंगे और मैं गैस ऑन कर देती हूँ। पहले तो गैस 2-3 आंच हम तेज़ फुल पे कर लाएंगे, उसके बाद हम गैस धीमी आंच पे रख देंगे। हम चेक करते हैं कि हमारी सब्ज़ी कहाँ पहुँच गई है। देखिए हम पहले चेक करेंगे कि हमारी अब जो है फूलगोभी और टमाटर की सब्ज़ी बन चुकी है। अब मैं चेक करती हूँ कि हमारे फूलगोभी टेंडर हो गए हैं। देखिए ये अच्छी तरह हो गए हैं, इसका मतलब हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई। अब मैं देखिए अब इसमें ये जो मैंने यहाँ पे ऑनियन जो है यहाँ पे ब्राउन करके रखी, इसको हम इस तरह से कूटेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब ये हम इसमें ऐड करते हैं इस तरह से। क्योंकि ज़्यादातर तो कश्मीर में है, ज़्यादा चावल खाते हैं इसलिए थोड़ा सा रसीला ही बनाया। आप इसको इसे भी थोड़ा ड्राई कर सकते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ये देखिए आप किस तरह बनी। अब मैं इसको हरा धनिया ऊपर से डालती हूँ और आप इसको अच्छी तरह गार्निश भी कर सकते हैं इसे। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। ये मैंने डिश आउट कर दी। आप इसको चावल के साथ भी ले सकते हैं, रोटी के साथ भी ले सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।